प्रॉब्लम आपको तो बहुत है बहुत ज्यादा है आप शिफ्ट कर सकते हो लेकिन आपको दो टैक्स सेलेक्ट करने पड़ेंगे दो टैक्स सेलेक्ट करके करके उसको एडजस्ट आप एडजस्ट कर सकते हो लेकिन वो प्रॉपर्ली एडजस्ट नहीं होगा आप शिफ्ट के साथ में ठीक है अपने नाम को कैपिटल में लिखके दिखाओ मुझे शिफ्ट के साथ में दोबारा लिख के दिखाओ ना लेकिन शिफ्ट का बटन आप यूज करोगे आप उसको रहने दीजिए सर शिफ्ट के साथ में हाँ ठीक है एंटर दबाइए अब एक बार कैप्स लॉक ऑन कीजिए शिफ्ट के साथ में फिर दबा के यूज कीजिए अपना नाम टाइप कीजिए दोनों में फर्क क्या है ऐसा क्यों हुआ जब भी आपने शिफ्ट यूज किया था तब तो कैपिटल आ गया लेकिन आपने दोबारा से शिफ्ट यूज किया लेकिन उस पर एक काम एक्स्ट्रा किया था फिर आपने टाइप किया था इस मोड में अंदर क्यों कैप लॉक उधर गया है कैप लॉक और ढंग से बताओगे कुछ बहुत आवाज आ रही है आप बताओ क्यों हुआ ऐसा हाँ बिल्कुल चलो आप बता दो पहले तो ये लेटर के चेकिंग सीडी में थे और मैं लेडीज को शिफ्ट को दबा के टाइप किया तो बड़ी में आ गए अब फिर इसके अंदर छोटे कर दिए वो बड़े कर दिए तो फिर पापा शिफ्ट दबा के करीब दो छोटे क्यों आए वही तो काम वही तो पॉइंट है सर हम बिना इसके के भी हमको जैसे बीच में कोई बड़े बड़ा थे तो हम शिफ्ट के साथ ही मैं आपकी पॉइंट से एग्री हूँ मुझे दोनों ही बता ठीक है लेकिन जब भी आप कैप्स लॉक के साथ में शिफ्ट का बटन यूज करते हैं वो रिवर्स काम करता है उल्टा काम करता है इतना ही पॉइंट ऐड करते हैं इसको शिफ्ट कैप्स लॉक आप यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे नॉर्मली आप कैपिटल में टाइप करोगे लेकिन आप जैसे ही कैप्स के साथ शिफ्ट का बटन यूज करोगे तो वो रिवर्स में काम करेगा मैंने कराया था तभी तो कराया था मतलब दो नाम ले रहे हैं दो जगह एक बार कैप लॉक दबाओ बड़े कैपिटल आ जाएंगे फिर वो दोबारा दबा के फिर स्मॉल में हां तो मैं आपसे एग्री हूं मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि वो क्यों हुआ क्योंकि अपने सही है अपने शिफ्ट के साथ में कैप्स लगा आप ऑफ कर दो तो बंद करेगा वो लेकिन ऑन है तब क्यों हो रहा है वो चीज पूछ रहा हूं आपने मैं गलत नहीं बता रहा आप गलत बता रहे हो मैं सिर्फ उसके डिफरेंस को समझा रहा हूं कि जब आप कैप्स लॉक यूज करते हो और उसके बाद में शिफ्ट का बटन यूज करोगे तो वो रिवर्स काम करेगा ठीक है ये चीजें मतलब कब होती हैं इसलिए आपको अभी समझ में नहीं आती है जब ऑनलाइन जाते हो ना ठीक है जब यूजर आईडी पासवर्ड डालते हो ना वहां पे सबसे बड़ी दिक्कत क्रिएट होती है क्योंकि आपको नहीं पता होता है कैप्स लॉक ऑन है या ऑफ है आप क्या करते हैं यूजर नेम डाल दिया पासवर्ड हमेशा केस सेंसिटिव होता है केस सेंसिटिव मतलब जैसा आपने पासवर्ड दिया है वैसा ही मैच करना चाहिए ठीक है तो आप क्या करते हो किसी ने आपके कीबोर्ड को यूज किया और उन्होंने कैप्स लॉक पहले से ऑन कर दिया और आपको आदत है कि आपने नहीं देखा उसको कि कैप्स लॉक ऑन है ऑफ है तो आप पासवर्ड टाइप करोगे तो गलत हो जाएगा अब आप सोचोगे कि पासवर्ड मैंने सही डाला है लेकिन गलत क्यों है ठीक है तो वो चीज होती है आप यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन होती है कि ये जो आपकी बटन है यहाँ पे जो लाइट होती है
वो इसी वजह से होती है, जब आप कैप्स लॉक को ऑन ऑफ करोगे ना तो वो लाइट जल जाती है। लेकिन लाइट नहीं, कैप्स लॉक यहां पे है, हमारे कोई नहीं, तो वो नीचे आइडेंटिफिकेशन पे दे देता है कैप्स लॉक इज ऑन। कई बार जैसे पासवर्ड डालते हुए ना, तो बाद में जब आप देखते हो ना, तो डाल लेते हो पासवर्ड डाल लेते हो, तब ऊपर बताता है कैप्स लॉक ऑन। हां, डालने से पहले नहीं बता सकता कि कैप्स लॉक ऑन बताता है, नहीं बताता है। जब अगर कैप्स लॉक ऑन है आप पासवर्ड टाइप कर रहे हो तभी बताता है, पासवर्ड आपका छोटे अक्षरों में है तो जब आप बड़े में लिखोगे ना तुरंत आएगा कैप्स लॉक ऑन। आप कंप्यूटर ऑन करो तब तो आ जाएगा, क्योंकि अगर आप सपोज अपना जीमेल अकाउंट वगैरह अपने हां उसमें नहीं है, उसमें कर दिया उसमें नहीं है, उसमें आपको ये देखना पड़ेगा आपको पासवर्ड अगर आपने एक बार गलत डाल दिया, आपके पास में तीन अटेम्प्ट होते हैं। हां और आपने पहली बार गलत डाल दिया आपका पासवर्ड सही है तो आप जब भी पासवर्ड मतलब कैप्स लॉक ऑन तो नहीं, उसको उसमें किस तरह से चेक किया जाए कि ये कैप्स में खुला हुआ है या वैसे खुला हुआ है। और यहाँ पे एक और बटन है ना नम बटन का, नम की भी लाइट आती है। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। अब आपका काम ये है कि आप इस वाले नाम को कलर करके दिखाओ, मैंने पहले ही बोला था जब आप टाइपिंग कर रहे हो तो बॉक्स नहीं हटना चाहिए, अब अंडू करोगे कुछ भी भरोसा कुछ नहीं होगा, वो बॉक्स तो आ ही नहीं सकता अंडू करने से, दोबारा टाइप करो। ये अच्छा एडवांटेज है पेज के अंदर, गलती करोगे तो सजा भुगतो। सर यहाँ पे क्यों टाइप कर रहे हो आप, दूसरी का टाइप कीजिए ना, वहाँ पे तो चेंजेस नहीं हो गया, उसको ओवरटाइप कर सकते हो लेकिन आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। अब इनमें से एक ही टाइप कीजिए, अब एक काम कीजिए मुझे इस बॉक्स का बैकग्राउंड कलर चेंज करके दीजिए। Thank you.
Thank you.